इतना सक्षम है अपनी शक्ति के साथ कि हम जो जो सीट पर चुनाव लड़ेंगे हम उन उन सीटों पर अपना विजय हासिल करेंगे। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि बहुत कम सीटों पर हम चुनाव लड़ें, क्योंकि आज की जो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है वहां बहुकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। विचित्र है बिहार, मोदी जी ने 2015 में नीतीश कुमार जी को कहा था कि उनकी डीएनए में कुछ खोट है। उस समय तो बड़ा टूल दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है कि एनडीए में जो तीन घटक है आज तो शायद चार हो जाए। वे एक दूसरे के खिलाफ लड़े, मतलब जदयू के खिलाफ एलजेपी चुनाव लड़ेगी, भाजपा के खिलाफ नहीं, लेकिन गठबंधन एक रहेगा। राजद का भी स्थिति कमोबेश यही है। मैं सलाह देना चाहता हूं राजद के अपने भाइयों, क्योंकि आप राजनीतिक शिष्टाचार भूल चुके हैं, लेकिन हम राजनीतिक शिष्टाचार भूलने वाले लोग नहीं। आपकी उतनी राजनीतिक हैसियत तक नहीं थी 2019 में, आपके पास विधानसभा की एक सीट भी नहीं थी। हम विपक्ष के नेता थे, हमने आपको आपके राजनीतिक हैसियत से ज्यादा लोकसभा में भी टिकट दिया और विधानसभा से भी टिकट दिया। कैसे भूल जाते ये सब राजद के जो अभी नए नए नेता बने। कि कम से कम जो घर अंधेरा था उस घर में दिया जलाने की कोशिश हम लोगों ने की। जो एक उम्मीदवार जीता, ससम्मान उनको हम लोगों ने मंत्री बनाया, और जो बुझा हुआ प्रदेश कार्यालय होता था उसमें एक दिया जलाने का काम किया। ये हेमंत सोरेन जी की, गुरु जी की ये त्याग है कि हम अपने लोगों को बुरे दिन में नहीं छोड़ते। और आज अच्छे दिन आने का केवल सपने देख रहे हैं लोग और राजनीतिक मर्यादाएं भूल जा रहे हैं। हम कहां पिछले गु हैं? यदि हम पिछले गु रहते तो आज निर्णय थोड़ी ले पाते। अभी भी आप बोले कि 7 सीट और उसके बाद आगे बात होती है तो फिर आगे देखेंगे। हम अपने संगठन के साथ बात करेंगे, हम और किसी और राजनीतिक दल से बात नहीं करेंगे। 7 सीट ऊपर आप लोग चुनाव में लड़ेंगे, जेएमयू वहां पे लड़ेगा, लेकिन बाकी जो सीट है क्या उसके समर्थन होगा राजद का? चुनाव जब भी होता है तो अपने मूल्यों के साथ होता है, उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हम जब चुनाव लड़ेंगे तो हम अपने मूल्यों के साथ लड़ेंगे, कौन कहाँ क्या लड़े उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। दादा तो ये चीज साफ हो गई ना कि बिहार में महागठबंधन से आप अलग हो गए, वो तो क्लियर है ना? वहाँ महागठबंधन है ही नहीं तो अलग कहाँ से। हम अपने दम पर चुनाव लड़े, हम किसी बंधन में नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। यहाँ उस जो संबंध है वहाँ की जनमानस के आशा अनुरूप हम लोगों ने इंतजार किया कि जो महागठबंधन वहाँ पर बना है उस महागठबंधन के जो प्रमुख घटक है राजद, उनके साथ मिलकर वहाँ चुनाव लड़े।
हमारे वहाँ पर भी बिहार में हमारी सांगठनिक शक्ति है, इस बात का इल्म राजद को भी है, क्योंकि शुरुआत काल से बिहार की राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीधा हस्तक्षेप रहा है, चाहे वो कांग्रेस को हराकर जब लालू जी प्रथम बार मुख्यमंत्री बन रहे थे और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने तो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ उनको मिला। हम अपने कमिटमेंट के साथ हैं, हम जिन मूल्यों पर चलते हैं उस मूल्य से हम भटकते नहीं। यहाँ पर हमने कहा यही कि हम जानते थे कि उनकी राजनीतिक हैसियत भी उतनी नहीं है, फिर भी उनको दिया बाँटने के लिए एक प्रतिनिधि उनको अपने साथ रखा है। हम अपने रोशन किए हुए घर को हम कभी अंधेरा नहीं होने देंगे। आपको नहीं लगता इतना उदारवादी दिखना? हम लोग तो देखिए आदिवासी मूलवासी लोग हैं, हम लोग थोड़ा बेवकूफ किस्म के ही लोग होते हैं, इसको आप उदारता कह लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, हम लोगों को राजनीतिक मक्कारी आती नहीं है, चूंकि वो हमारे खून में नहीं है इसलिए आप लोगों को लगता होगा कि ये उदारता है। हम लोग उतना चालाक अभी तक नहीं बने। हम पहले भी कहते आए हैं हम सम्मान के साथ समझौता कभी नहीं करते, और आज इस बात को बोलने में कतई हिचक नहीं कि राजद द्वारा जो राजनीतिक मक्कारी की गई है उस मक्कारी के खिलाफ हम बोलने को मजबूर हैं, क्योंकि 2 दिन पहले हम लोग देखे थे कि जब महागठबंधन की बैठक हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, राजद के अध्यक्ष तेजस्वी जी ने अपने मुंह से कहा था, वो ध्वनि आज भी है हमारे पास में, कि हम 144 सीटों पर लड़ेंगे, जिसके तहत हम झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका नेतृत्व अभी मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, उनको अपने साथ रखेंगे। कहाँ से चलेगा? हम लोग आदर करते हैं लालू जी का, सम्मान करते हैं और शुरू से करते आए, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन लालू जी के लिए भी आज सवाल ये है कि आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप सामाजिक न्याय के तहत राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं, तो बिहार के संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आपका सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी की बात कहाँ गई? ये सवाल तो बनता है ना। इस सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा। मुक्ति मोर्चा केवल त्याग त्याग और त्याग? अब हम भी राजनीति करना सीख गए, हम लोगों ने निर्णय लिया है। आज का हमारा जो निर्णय है, हम झाझा से चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, हम चकई से चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, हम कटोरिया से चुनाव जीतेंगे, हम धमदाहा से चुनाव जीतेंगे, हम मनिहारी से चुनाव जीतेंगे, आगे के दिनों में हम पीरपैती और नाथनगर में भी चुनाव जीतेंगे।
ये अभी का निर्णय है हम लोगों का, तीन चरण में चुनाव होना है। हम लोग अपने संगठन के साथ में बराबर संपर्क में, नौ दिन के लिए भी पहली बार मुख्यमंत्री बने उस वक्त भी हम लोगों ने उनका साथ दिया था। हम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर रोका जाए, उनके इरादों को वहाँ से नेस्तनाबूद किया जाए। पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 2015 में हम लोगों ने अपना समर्थन तत्कालीन गठबंधन जो राजद जदयू और कांग्रेस का था उनको देने का काम किया था। इस बार भी हम वही चीज चाहते थे, लेकिन राजनीति में परिस्थितियां बदल जाती हैं। जो आज का राजद का नेतृत्व है वो पुरानी दिनों को शायद याद नहीं रखना चाहता, या हमारे संघर्ष को